मैडम ओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो इस समय? एक दुखी बाप अपनी बच्ची से मिलने आया है। उसे ये समझाने आया है कि अपने बुजुर्गों से बार बार पंगा लेना अच्छी बात नहीं। हाथ मत लगाना मुझे, समझ गए? हाथ ना लगाऊं? अरे बेटी, आज तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि मेरी हथेलियां लाल हो जाएं। क्योंकि आज के बाद मुझसे पंगा लेने से पहले तुझे उसका अंजाम याद है। क्या रुपया? भागती तो तू नजर आएगी तारा। बहुत चल, शुरू कीजिए ना सकल साहब। ये कहीं नहीं जाएगा तारा, ये ही रहेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि आजकल तुम बहुत ठीक हो चुकी हो, तुमसे अकेले निपटना शायद मेरे लिए। क्या कर रहे हो तुम? लीव मी। ये इसलिए कि तुम मेरी बेटी बनके पैदा हुई है। शोक सहगल, इसलिए कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। मैं दोबारा करूंगी, एक बार नहीं हजार बार करूंगी। अच्छा, और ये इसलिए कि तुमने वो टेप पुलिस के हवाले की? मुझे खुशी है मैंने ऐसा किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम अभी तक बाहर कैसे हो। अरे बाहर तो मैंने होना ही था, समझे? पहले सुन ये, तुझे एक बात समझे तारा सहगल, तेरी कोई भी हरकत मेरा बाल तक पाका नहीं कर सकती, समझे? तो वाह हो जाए यहाँ से अशोक सहगल, तू जानता नहीं तू कहाँ पर है। एक बार और मुझ पे हाथ उठाया तो बताऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ। ये वो चीज है कि तू जिंदगी भर याद रखेगी कि तू कौन है। यू आर अ होर तारा सहगल। तुम्हारी असलियत तुम्हारे हाथ में खुल चुकी है तारा। अब मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले एक नजर अपने हाथ चुप कर। अशोक सहगल, आज जो तूने मेरे साथ किया ये मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, ये माफ करने लायक नहीं है। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, तब तक नहीं बैठूंगी जब तक तेरा चैन ना छीन लूं। सबक कम पड़ा इसके लिए। पकड़ना, ये खुदाई इसके चेहरे से भी कर देता।